नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम भिंडी की सब्जी बनाने वाले हैं मेरे तरीके से, तो बनाना शुरू करते हैं। ये भिंडी मैंने दो भाग में इस तरह से कट कर लिया है। आगे का और पीछे वाला भाग निकाल देना है और सॉफ्ट वाली भिंडी हमने लेना है। ये 250 ग्राम भिंडी है, मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ। भिंडी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, तो सबसे पहले 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे हम। पैन हमारा गरम हो गया है, तेल भी गरम हो गया है, तो सबसे पहले हम भिंडी को डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। भिंडी हमारी हो चुकी है, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने भूनना है ताकि भिंडी हमारी जलने न पाए। तो अब हम निकाल लेते हैं और सेम पैन लेंगे और 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप जो खाते हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा हमारा चिटकने लग गया है तो यहीं पे डाल देंगे हम 1/4 चम्मच सरसों। सरसों भी जब हमारा चिटकने लग जाएगा। 1 बड़े प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, इस तरह से मोटा मोटा सा, इस तरह से। 4 हरी मिर्च लिया है जिसे चीरा लगा लिया है। 4 से 5 लहसुन है जिसे कूटना नहीं है, सिर्फ क्रश करना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम लहसुन को डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। लहसुन का कलर हम थोड़ा सा, बस हल्का सा ऐसे ब्राउन करेंगे। लहसुन का कलर चेंज हो चुका है और अब हम यहीं पे डाल देते हैं अपना कटा हुआ प्याज। 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, इसे काट लिया है। यहीं पे डाल देंगे साबुत लाल 2 मिर्च इस तरह से तोड़कर, और हरा मिर्च। तो हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ कच्चा पन जाने तक ही भूनना है। तो अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, कुछ मसाले। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए भून लेते हैं। 1 चम्मच भुना हुआ बेसन, आप सत्तू का आटा हो, बेसन ना हो तो आप सत्तू का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम मसालों के साथ भून लेंगे। तेल के साथ मसालों को हमने भून लिया है तो अब हम डाल देते हैं। 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने जिसकी प्यूरी बना लिया है, वो भी हम ऐड कर देंगे यहीं पे। और तेल छोड़ने तक, टमाटर को तेल छोड़ने तक हम मसालों के संग पका लेंगे। सारे मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो यहीं पे डाल देते हैं नमक हम स्वाद के अनुसार, चला लेंगे एक बार। अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। और जो भिंडी हमने फ्राई करके रखा था वो भी हम डाल देंगे इसी समय पे। भिंडी को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि भिंडी हमारी पक जाए, क्योंकि जैसे ही हम किसी खट्टी चीज़ में डालते हैं तो भिंडी हमारी पकती नहीं है। थोड़ा सा पानी और हम डाल देंगे
और ढककर पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट। सात आठ मिनट हो गया है दोस्तों, और बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है हमें। सब्जी हमारी पक गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहीं पे डालेंगे हम 1 चम्मच मसाला ए मैज़िक। बहुत अच्छा स्वाद आता है क्योंकि इसमें ऑल स्पाइसेस होते हैं। और सिर्फ 2 मिनट हम और पका लेते हैं। थोड़ी सी धनिया भी डाल देते हैं यहीं पे। दो मिनट हो गया है, सब्जी हमारी पक गई है। गैस को ऑफ कर देते हैं और प्लेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, भिंडी की सब्जी हमारी बनकर तैयार है खाने के लिए, और बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।